वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं आप सबकी प्यारी नीति बिहारी। आज हम अपने इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं ईद ब्लास्ट इन दिल्ली पर। आज हम अपने इस वीडियो में खान सर से जानने वाले हैं कि ईद ब्लास्ट इन दिल्ली में क्या क्या हुआ था और उसका राज क्या क्या है। अगर आप खान सर के फैन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब मेरे साथ बोलिए जय हिंद। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, दिल्ली में जो इजरायली दूतावास है वहां पे जो किसी गुमनाम व्यक्ति ने जो ब्लास्ट किया, अभी तक के जांच में किसी का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि ये ब्लास्ट जो था बहुत माइनर था, इससे किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन ब्लास्ट के झटके से जो आसपास की गाड़ियां थे उसके शीशे जरूर टूट गए। लेकिन ये ब्लास्ट बड़ा नहीं था, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा है पूरे वर्ल्ड की मीडिया इसे कवर कर रही है, खास करके इजराइल। इजराइल से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, वहां पर उस एरिया की पूरी तरह से पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इजराइल के दूतावास के सभी लोग सुरक्षित है। खास बात यह है कि इस ब्लास्ट से पहले इजराइल में जो हम लोग का जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, जो हम लोग अपने मीटिंग की एनिवर्सरी मना रहे थे, उससे पहले ही इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने कहा था कि इस तरह के ब्लास्ट हो सकते हैं और हो भी गया, तो ये बताता है कि मोसाद काफी ज्यादा एक्टिव है। हालांकि अभी उसकी जांच हो रही है कि इसके पीछे कौन है, और लेकिन एक गुमनाम नाम सामने आ रहा है जिसको पहली बार देखा जा रहा है, उसका नाम है जैसे हिंद। अब ये जैसे हिंद ने दावा किया है क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ है ना, वहीं पर एक लेटर मिला है जिसमें जैसे हिंद का था। यहाँ पे यहाँ देखेंगे इजरायली दूतावास की गाड़ी है, क्योंकि इसका नंबर प्लेट ब्लू कलर का है। देखिए, नंबर प्लेट ब्लू कलर का हमेशा विदेशी राजनयिकों या दूतावास को दिया जाता है। इंडिया में चार पांच टाइप के नंबर प्लेट होते हैं, जैसे अगर व्हाइट कलर पे काला पट्टी लिखा है मतलब पर्सनल गाड़ी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है, यहाँ पर ये देखिए ये पर्सनल गाड़ी है, लेकिन अगर वहीं देखेंगे ये ब्लू कलर वाली, तो ये तो पर्सनल हो गया। ब्लू वाली तो दूतावास की गाड़ियां होती है, जैसे ये दूतावास की है। ग्रीन पट्टी रहेगा तो मतलब वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी है, जैसे टेस्ला वगैरह की गाड़ियां थी, तो ये इलेक्ट्रिक पे चलने वाली गाड़ी हो गई, ये ग्रीन वाली। पीले नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियां होती है वो कमर्शियल होती है, यानी भाड़ा होती है सर। जैसे इसका नंबर प्लेट पीला है, ट्रक वगैरह का देखेंगे, बस वगैरह का देखेंगे तो पीला मिलता है, मतलब वो भाड़ा पे चलने वाली है। अगर काले नंबर प्लेट पे पीला लिखा है मतलब ये रेंट पे लिए, वो गाड़ी ढोने वाली है, और अगर इसको देखेंगे तो रेंट पे ले जा सकते हैं। पर्सनली मान के चलिए, अगर आप दिल्ली गए वहां आपकी गाड़ी नहीं है तो रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं, तो उसका नंबर प्लेट इस टाइप में रहेगा। वहीं अगर आप आर्मी की गाड़ियों को देखेंगे तो इस पे ऊपर की और मिलिट्री की गाड़ियों पे एक तीर बना होता है, वो अलग होता है। मिलिट्री की गाड़ी को देखेंगे तो नंबर प्लेट इस तरह से रहेगा, इसमें यूपी बिहार कुछ नहीं देता, एक तीर बना रहेगा आर्मी की गाड़ी। हालांकि इसके ऊपर सीओ लिखा रहता है, कमांडिंग ऑफिसर। सीओ जो होता है वो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल तक के रैंक के ऊपर वो लिखा रहता है। उसके ऊपर ब्रिगेडियर जाएंगे तो एक स्टार बना रहता है, ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल पे दो स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल पे तीन स्टार और जनरल पे चार स्टार रहता है। तो आप गाड़ी के स्टार को देख के बता सकते हैं अंदर कौन सा अधिकारी बैठा है। हालांकि झंडा देख के भी आप बता सकते हैं, जितना स्टार रहेगा उतने झंडा में कोना रहेगा। अगर दो स्टार रह दिया तो ये ब्रिगेडियर से हो गया मेजर जनरल, तो यहाँ दो कोना निकल जाएगा। तीन स्टार हो गया तो लेफ्टिनेंट जनरल, चार स्टार हो गया तो जनरल। तो आप गाड़ियों को आर्मी को भी देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन है। अगर आप ये एनसीसी वगैरह किए होंगे तो आपको ये सब पढ़ाया गया होगा। खैर, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जो इजरायली दूतावास जो है वहां पे जो गाड़ी के पास ब्लास्ट के पास जो लेटर मिला है उसमें यही लिखा है कि ये ट्रेलर है, मतलब अभी फिल्म बाकी है। इन गधों को ये समझ में नहीं आता है कि तू किससे टकरा रहे हो, इजराइल से। और ये कौन सा तरीका है, इजराइल ने दुनिया में किसको किसको नहीं टपका दिया। यहाँ आप देखिए, कासिम सुलेमानी को, चाहे वो फकीर जादे को है, ये डायरेक्टली नाम आता है कि इजराइल ने किया। कभी इजराइल ने नहीं बोला कि हाँ ये टेलर है, फिल्म बाकी है। लेकिन इनको एगो चुटपुटिया भड़का के गहना तो हल्ला कर दिया, हमारा फटका है, फिल्म बाकी है, ससुर सुनाई फिल्म बाकी। अरे हम लोग को ईरान से क्या मतलब, हम लोग को ईरान में ये चाबहार बंदरगाह है, वहाँ हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है, इसलिए हम चाहते कि भैया ईरान भी शांति से रहे यहाँ पर। अब ये इसका, हालांकि ये नाम पर इंडिया गवर्नमेंट उतना बिलीव नहीं कर रही है क्योंकि पहली बार इसके नाम सुना गया है, ये डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है। देखिए, मोसाद अब इंडिया पहुंच चुकी है, वो जांच को आगे बढ़ा दिया। अगर इस जांच में मान के चलिए इंडिया शामिल साबित हो गया कि ईरान ने, मतलब ईरान समर्थित आतंकवादियों ने ही ऐसा काम किया, तो फिर इजराइल ईरान, तो फिर इंडिया को ना इजराइल के क्यों थोड़ा सा हल्का स्लाइटली झुकना पड़ेगा और ईरान की थोड़ी सी निंदा करनी पड़ेगी। अब भारत के लिए दुविधा ये है कि हमें ईरान की सख्त जरूरत है अभी के वक्त में, प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि चाइना जो है सीपीईसी को बढ़ाते जा रहा है, हमें उसको काउंटर करना है, तो हमें ईरान का चाबहार बंदरगाह चाहिए, ठीक है। और ये बंदरगाह हमें रूट देता
लेता है अफगानिस्तान तक पहुंचने का, साथ ही सेंट्रल एशिया यूरोप तक हम इसके रास्ते पहुंच सकते हैं। पहला तो एक हो गया कि भैया ये रूट हमें आराम से दे सकता है। दूसरा, हमारे पास पेट्रोलियम का अभी सबसे ज्यादा हम लोग यहीं से लेते हैं पेट्रोलियम, यहाँ ईरान से, जिसके दो रीजन है। ईरान को जब हम पेट्रोलियम देते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करना रहता है, हम उसे रुपया में पेमेंट कर देते हैं। और इसके बावजूद ईरान 60 दिन बाद पैसा लेता है, मतलब 60 दिन का क्रेडिट लेता है, तुरंत नहीं लेता है, 60 दिन बाद भी दे सकते हैं। हालांकि ईरान से पेट्रोल लेने में सबसे ज्यादा फायदा होता है, ईरान कहता है कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। तो हमारे लिए ईरान का बचा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई हमारा अपना या दुश्मन पराया नहीं होता, हमारे देश को फायदा हो रहा है, भैया तुम हमारे अपने हो। एक वक्त था जब अमेरिका जो है वो भारत पे बम मारने आया था, परमाणु बम, 1971 में सातवां बेड़ा लेके, और वही मोदी जी को ले जाके हाउडी मोदी में बर्गर खिला रहा था। तो कब सिनेरियो चेंज होते हैं, कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन भारत को इसराइल की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसराइल ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसराइल से हमें लेटेस्ट हथियार मिल जाते हैं, रडार टेक्नोलॉजी हमारी टोटली इसराइल पर अभी फिलहाल बेस्ड है, चाहे वो एवॉक्स रडार हो, चाहे वो फाइटर जेट का रडार हो, या छोटे मैगजीन हो, बराक मिसाइल हो, हथियार के मामले में बहुत ज्यादा। हालांकि अभी तो हम लोग ने कृषि के सेक्टर में भी उससे बहुत ज्यादा समझौते किए, जिसमें ड्रॉप फार्मिंग फेमस है, तो फार्मिंग में कभी समझेंगे। तो हमारे लिए दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। लेकिन अगर हम लोग ईरान का विरोध नहीं भी करते हैं ना, तो इसराइल हमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की सोच दूरदर्शी है। इन पटाखा फोड़ने वालों की तरह नहीं कि चिटपुटिया फोड़ के जाएगा, लेटर देगा कि हम वो बदला लेने वाले हैं, भाई साहब ये सब बेवकूफी वाला काम कर, ये लोग बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं इसराइल वाले। लेकिन सबसे इन सब में जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है जो बाइडेन ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे बराक ओबामा थे, क्योंकि दोनों की पार्टी सेम थी, इवन कि ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये इसराइल को पसंद नहीं करते हैं, इनके हिसाब से ईरान ठीक है, जो इनकी मतलब विचारधारा है। अब ये कहते हैं इसराइल वालों को कि भाई आप अत्याचार करते हो फिलिस्तीन वालों पे। हम आपको चुनाव टाइम से ही बता रहे थे कि जो बाइडेन हमेशा से मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, और ट्रंप जो है वो यहूदी यानी इजराइल वालों को वोट क्यों खींचने की कोशिश की है, तो इनका इसके खिलाफ है। अब ये जो बाइडेन बहुत जल्दी चाहते हैं कि ईरान से सैंक्शन हट जाए और जो परमाणु समझौता हुआ था 2014 में उसे दोबारा लागू किया जा सके। हालांकि ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा रेल लाइन प्रोजेक्ट इसीलिए भटका हुआ है, लेकिन इसराइल के लिए थोड़ा सा दिक्कत बात है। तो हम लोग को दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। हालांकि अगर देखेंगे ये जो बाइडेन, तो ये अपने मतलब मिडिल ईस्ट और एशिया में कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ताइवान में उतना एग्रेसिव नहीं हुए, जबकि श्रीलंका में अभी हालिया घटना के तहत जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड-19 से जिसकी भी मृत्यु हुई है उसे दफनाया नहीं जाएगा, उसे जला दिया जाएगा। अब इसका ये क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम ने इसका विरोध किया। अब यहाँ देखिए, दोनों ने विरोध किया, लगभग दोनों की पॉपुलेशन वहाँ 7-8% है, मुस्लिम की भी और क्रिश्चियंस की भी है। लेकिन ये जो है जो बाइडेन, इसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं यूएन के थ्रू कि नहीं ये मुसलमानों के मतलब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम है, यहाँ पे भी कोविड-19 में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इवन इटली में इतनी ज्यादा मृत्यु हुई थी शुरुआती दौर में, तो सबसे ज्यादा मौत को इटली ने झेला था, वहां ताबूत कम पड़ गए थे। तो ब्राजील वगैरह जैसे बहुत सारी घटना हुई थी। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो जो बाइडेन है, अभी ये कई सारे ऐसे डिसीजन लेंगे जो पूरी तरह से सिनेरियो को चेंज कर देने वाले हैं। हालांकि इसका इंपैक्ट भारत पे ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये भारत के मतलब बहुत ज्यादा फेवर में है। हालांकि ये भारत से एंटी भी नहीं है, लेकिन ये रूस के बहुत ज्यादा खिलाफ है। रूस को ये मतलब इनको देखने को मिलेगा कि भारत रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है वो अगले साल मिल जाएगी, S-400 की जो डील हुई है, और हमें लेना जरूरी भी है क्योंकि S-400 चाइना के पास भी है। हालांकि उसके पास S-400 के नाम पर रूस ने उसे केवल S-300 दिया है, यानी हमारा जो S-400 है ये एक्यूरेट मार करेगा 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी जहाज को मार के गिरा देगा ये हवा में। जबकि चाइना को जो मिला है S-400 के नाम पर केवल S-300 मिला है, जबकि पैसा उससे S-400 का लिया है और हम लोगों से भी महंगा लिया है। रीजन क्या है कि चाइना जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है। जो देश MTCR के ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं उन्हें 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें ना बेच सकते हैं ना ही वो खरीद सकता है, लेकिन भारत उसका सदस्य है, हम इससे लंबी दूरी की मिसाइलें भी बेच सकते हैं, दूसरे देश से खरीद भी सकते हैं। तो इसलिए ये भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे जो बाइडेन, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, लेकिन वो प्रतिबंध काफी सॉफ्ट होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था नहीं, भारत को एक स्पेशल कोटा के तहत कोई भी प्रतिबंध झेलने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत पर लगने वाला प्रतिबंध बहुत ज्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा। जो बाइडेन जो है ईरान और पाकिस्तान, इवन की पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड जो 2018 में रोकी गई थी ट्रंप द्वारा, उसे दोबारा चालू करने के लिए कर रहे। इस खबर से
सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है जो बाइडेन के आने से या जो बाइडेन के डिसीजन से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो आंटी जी खुश है। आंटी जी के खुशी का कोई ठिकान नहीं है। आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से, सुनिए देखिए ये है हमारे आंटी जी। इनको कौन समझाए भाई साहब, ये आंटी जी को बहुत खुश है, इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश जीडीपी में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया, मतलब ये बुढ़ौती में शादी किया। हमको तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मच जाए। भाई साहब बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए, रिटायरमेंट भी एक चीज होता है। घुसिया की कौन चीज देख रहे हैं, रिटायर हो जाइए यहाँ पर, हद देख रहे हैं, हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में तीन तीन को लेकर कर रहे हैं। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं, एक और शादी कर लीजिए, बाइडेन चाहता तो हाँ समझ में आएगी, नहीं मत घुसिया के देखिए हमें ये देखता है। खैर आप लोग समझ में आ गया होगा, बाइडेन के आने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आज के वक्त में हमारा भारत ऐसा है कि हमें छोड़कर आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते, हर जगह वो एक अहम भूमिका को निभाएगा। लेकिन हाँ जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को, ज्यादा शादी ब्याह नहीं कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। वाओ मजा आ गया ये वीडियो देख के, मुझे तो ये पता नहीं था इतना इन्फॉर्मेशन जो खान सर दिए हैं बहुत ज़्यादा, और ये प्लेटलेट के बारे में कुछ पता नहीं था कि ब्लैक वाइट ये सब कुछ, अभी मतलब इस सब के बारे में इतना पता नहीं था और सब इन्फॉर्मेशन मिल गया खान सर से। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, अभी तक इनका खोजबीन चालू है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। और खान सर का ना हर एक वीडियो देखना चाहिए, कब कैसे कौन सी क्या हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो बहुत ज़्यादा मजा आता है इनका वीडियो देख के। सबसे हंसी वाला वो जो उनके लिपस्टिक कान में नाक में सब पहना के बोलते ओ चाचा जी शादी मत करना, ये बहुत हंसी आया और बहुत ज़्यादा मजा आया। खान सर का हर वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मजा आता है और सबको खान सर का वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। मुझे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आया देख के। तो आपको ये वीडियो देख कर कैसा लगा आप अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ आप अपने कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताएं आपको नेक्स्ट सेक्शन वीडियो किस पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन ना भूलें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।